आरपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए हम आपके लिए लेकर आ चुके हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें। काफी ज्यादा मेहनत करते हैं हम आप सभी के लिए खबरें चुन चुन के लाने में, तो थोड़ा सा आप भी आपका प्यार एंड सपोर्ट को दिखाते हुए, थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जरूर से नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नथिंग से। नथिंग फोन 2, ये जो स्मार्टफोन है वो 11 जुलाई को लॉन्च होने वाला है भारत में, और ये जो स्मार्टफोन है वो फ्लिपकार्ट पर सेल होगा, लैंडिंग पेज निकलकर बाहर आ चुका है। 4700 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाएगी और ये स्मार्टफोन का जो टाइप सी केबल रहने वाला है इसकी डिजाइन भी निकलकर बाहर आ चुकी है। जी हाँ, खुद ही कार्ल पे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते बताया हुआ है, जहाँ पर जो पॉट है चार्जिंग पॉट वो पूरी तरीके से हमें ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जा रहा है, जो कि टाइप सी केबल को पूरा प्रीमियम लुक भी दे देता है। काफी सारी चीजें हमें ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जा रही है। अब देखते हैं चार्जर हमें कितनी जल्दी ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ देखने को मिल जाते हैं, इस बात का इंतजार है। ओप्पो की बात करते हैं, ओप्पो रेनो 10 सीरीज में आने वाले दो स्मार्टफोन, ओप्पो रेनो 10 प्रो, ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस, ये दोनों ही स्मार्टफोन के जो 5G ग्लोबल वेरिएंट है वो स्पॉट किए जा चुके गीग बैच पर। यहां से पता लग रहा है कि ओप्पो रेनो 10 सीरीज जो है वो माइट भी हमें जुलाई में देखने को मिल सकती है, यानी अगले महीने, यानी ये काफी अच्छी बात है। और ओप्पो रेनो 10 सीरीज में ओप्पो रेनो 10 प्रो स्मार्टफोन है जिसके अंदर जो चिपसेट का इस्तेमाल किया गया ग्लोबली वो अगर कंपेयर करते हैं चाइना वाले वेरिएंट से तो वो डिफरेंट है। जी हाँ, यही कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है, यानी समझ लीजिए ओप्पो रेनो 10 सीरीज बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। आप क्या एक्साइटेड हो ओप्पो रेनो 10 सीरीज को लेकर, क्या सोचे आपकी इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइए। वन प्लस की बात करते हैं, वन प्लस 12 एंड एस 2 प्रो, ये दोनों ही स्मार्टफोन कहे जा रहे हैं बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं वन प्लस 12 स्मार्टफोन की, जो कि कहा जा रहा है लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स के साथ लॉन्च किया जाएगा ये स्मार्टफोन, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि बात करते हैं वन प्लस एस 2 प्रो स्मार्टफोन की, जो कि कहा जा रहा है अगले ही महीने में देखने को मिल जाएगा। अब ये दोनों ही स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले रहेगी वो काफी प्रीमियम हार्डवेयर के साथ देखने को मिलने वाली, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं वन प्लस 12 एंड एस 2 प्रो, ये दोनों ही स्मार्टफोन हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाते हैं, इस बात का इंतजार है। Amazon की बात करते हुए, Amazon गेमिंग डे सेल आ चुका है, जहां पर ये जो सेल है वो 5 दिन तक चलने वाला है, जहां पर आपको लैपटॉप्स हो गया, हेडफोन्स हो गया और भी गेमिंग एसेसरीज पर काफी तगड़े वाले डिस्काउंट देखने को मिल जाने वाले। और ये जो सेल है जिसमें आपको HDFC के डेबिट क्रेडिट कार्ड पर काफी अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे, नो कॉस्ट EMI की भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। तो अगर आप सोच रहे थे गेमिंग लैपटॉप, हेडफोन या फिर कोई एसेसरीज को खरीदने के लिए, तो अभी फिलहाल काफी बेहतरीन मौका है, आप ये सेल का बेनिफिट जरूर से ले सकते हो। सैमसंग की बात करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 क्लासिक, जो कि हाल ही में NBTC सब्सक्रिप्शन वेबसाइट पर आई थी, अब सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 भी NBTC सब्सक्रिप्शन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुकी है, यानी समझ लीजिए सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 सीरीज की लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक है। अब देखते हैं सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 सीरीज को किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। Realme की बात करते हुए, Realme Narzo 50 सीरीज के जो लाइनअप है वो हाल ही में गई है, अब Realme Narzo 60 सीरीज की लाइनअप आ रही है बहुत ही जल्दी, यहाँ कमिंग सून लैंडिंग पेज निकलकर बाहर आ चुका है। Realme Narzo 60 ये जो सीरीज है वो Amazon पर सोल्ड होने वाली है। अब देखते हैं Realme Narzo 60 सीरीज में हमें क्या कुछ और नया देखने को मिल जाता है, कितनी ही जल्दी और क्या स्पेक्स के साथ इसे लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। iQOO की बात करते हुए, iQOO 11s ये जो स्मार्टफोन, इसकी अब खबरें आना शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है iQOO 11s स्मार्टफोन में 200 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि iQOO Neo 7 Pro ये जो स्मार्टफोन है वो 4 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, Amazon एक्सक्लूसिव रहेगा ये स्मार्टफोन, जिसमें हमें Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिप से देखने को मिल जाएगी, ऑरेंज कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन की प्राइस कही जा रही है 40,000 से लेकर 42,000 के आसपास हमें भारत में देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं iQOO Neo 7 Pro स्मार्टफोन को किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है, ये तो हमें 4 जुलाई को पता चल ही जाएगा। Redmi की बात करते हुए, Redmi K60 Ultra ये जो स्मार्टफोन है भाई वो 3C सब्सक्रिप्शन वेबसाइट पर आ चुका है, और वहां से पता लग रहा है कि भाई ये स्मार्टफोन में 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं Redmi K60 Ultra ये जो स्मार्टफोन है वो हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाता है, क्या स्पेक्स के साथ, इस बात का इंतजार है।
काम की दिल की बात करते, आप अपने ही घर को थिएटर बनाना चाहते हो तो भाई ये जो डील है वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। T6 वाईफाई एलईडी प्रोजेक्टर फिलहाल बहुत ही बेहतरीन कीमत में भी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहा है। और यही एलईडी प्रोजेक्टर के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो 200 इंच को ये सपोर्ट करता है, साथ ही साथ फुल एचडी रिजोल्यूशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, HDMI, VGA, बिल्ट इन यूट्यूब मिल जाता है, ब्लूटूथ वाईफाई का सपोर्ट मिल जाएगा, बिल्ट इन आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा, 3D सपोर्ट मिल जाएगा, यानी काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं यही एलईडी प्रोजेक्टर में। और यही एलईडी प्रोजेक्टर की अगर कीमत की बात की जाए तो ये भी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहा है सिर्फ 6,999 रुपए में। और इसमें भी अगर आप कुछ कार्ड वगैरह ऑफर्स लगा देते हो तो इफेक्टिव प्राइस हो जाती है 6,299 रुपए। तो काफी क्लियर डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते डबल ड्रैगन, डेफिनेटली ये गेम का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर सुना है तो कुछ लोगों ने गेम को खेला भी होगा क्योंकि 90s के टाइम में ये काफी पॉपुलर गेमिंग टाइटल हुआ करता था जो कि हम वीडियो गेम्स में खेलते थे। और ये जो ब्रदर्स है जो पॉपुलर कैरेक्टर्स वो फिर से एक बार वापस आ रहे हैं 27 जुलाई को, उनकी एक नई गेम आ रही है डबल ड्रैगन गायरियन द राइज ऑफ ड्रैगन, तो काफी बेहतरीन मजा आ जाने वाला है ये गेम को खेलने में, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये जो गेम है वो PC, PS4, PS5, Xbox सीरीज, Nintendo Switch यानी सभी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली है। और कहा जा रहा है ये जो गेम में दो पॉपुलर कैरेक्टर वो तो हो गए ही हो गए, पर ये गेम को आप जैसे खेलते जाओगे तो 9 एडिशनल कैरेक्टर अनलॉक हो जाएंगे, तो ये जो गेम वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आप हमें ये बताइए आपने कभी भी डबल ड्रैगन गेम को खेला हुआ है या नहीं, कमेंट में बताइए। तो बस आज की टेक्निक साहब खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे जरूर से नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्मेलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।